हेलो व्यूवर्स वेलकम बैक टू शोमे नाथ यूट्यूब चैनल और आई एम ओवर क्लाउडेड विथ ऑल दी ए फॉर ऑनलाइन एग्जाम जो आपको कैंपस में जाके देना पड़ेगा उसके लिए बहुत सारा क्वेश्चन है बहुत सारा सवाल है तो ये लास्ट अपडेट मैं आप लोगों को दे देता हूँ किंतु क्युं, आपका जो रूटीन वो भी आ गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से पब्लिश भी कर दिया गया है तो आप लोग जानते हैं कब आपका कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम है टाइम डेट सब कुछ आपको मिल चुका है वो भी मैंने पोस्ट में दे दिया था शॉर्ट्स में दे दिया था शायद आप लोग देख चुके हैं तो प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब For authentic information in this channel you are going to be going to get authentic information nothing else now चलिए आते हैं एक एक करके आपका जो सवाल है उस सवाल का एक तो है पहला वाला जो सवाल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखिए अगर सब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछे हैं कि अगर एबसेंट होते हैं सी ए फोर में तो क्या बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ेगा तो मैं आपको कहूँगा देखिए मैं स्टैटिस्टिकली आपको कुछ आंकड़े बता रहा हूँ कि जो आपको समझ में आएगा और आप समझ सकेंगे क्योंकि ये सी क्यों इतना इम्पोर्टेंट है देखिए अगर हम लोग आ, देखते हैं तो 25 करके आपका चार सी जो एग्जाम है ये सी एग्जाम कंटिन्यूस असमेंट जो है वो आपका हो रहा है तो अगर किसी को 25 हर में मिलता है यानी कि सी ए वन टू सी ए फोर में मिलता है तो उसका टोटल स्कोर जाता है 100 अगर उसको हम फोर से डिवाइड करें देखिए कैलकुलेशन मेथड अभी क्या होगा यानी कि एवरेज लिया जाएगा या फिर बेस्ट ऑफ फोर लिया जाएगा ये अभी तक पता नहीं लेकिन अग... अगर हम बेस्ट ऑफ फोर के बगैर ये सोचते हैं कि एवरेज लिया जाएगा तो फिर आप ट्रेवल में आ सकते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप चारों एग्ज़ाम दिए हैं और समझ लेते हैं कि 25 मिला है तो 100 आपको टोटल स्कोर होता है चार में और डिवाइडेड बाय फोर करने से आपको टोटल स्कोर आ जाता है 25 मार्क्स ठीक है लेकिन अगर आप तीन एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें क्या आता है आपका स्कोर सेवेंट अगर पच्चीस ही मिला है तीनों में आपको तो सेवेंटी फाइव विल बी योर मार्क्स एंड सेवेंटी फाइव डिवाइडेड बाई फोर आपका मार्क्स आता है एट्टीन पॉइंट सेवन फाइव तो इसको हम नाइनटीन कैलकुलेट करेंगे ठीक है अभी यहाँ पे देखिए और एक सवाल क्या होता है आपका पच्चीस से यहाँ पे घट के उन्नीस हो रहा है यानी कि नाइनटीन कम हो गया आपका मार्क्स ठीक है बीस से भी नीचे आ गया और दूसरा जो बात है कि फाइव मार्क्स जो एलोकेट किया गया है अटेंडेंस के ऊपर तो ये सी ए फोर अगर आप नहीं देते तो ये सवाल आता है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा अगर आप चारों एग्ज़ाम देते हैं सी ए फोर वन से लेकर फोर तक तो आपका पाँच मार्क्स मिल जाएगा पूरा लेकिन अगर आप एक नहीं देते तो आपको हम यहाँ पे थ्री पॉइंट सेवन फाइव जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको डेसिमल से हटा के हम चार समझ लेते हैं चार मिलता है तो देखिए अगर आपको ये जो है अगर आप एक एग्ज़ाम एक नहीं देते तो आपका स्कोर हो जाता है वहाँ पे आपको मिलेगा 19 और यहाँ पे आपको अटेंडेंस में मिलेगा चार टोटल कुल मिला के आपका आ रहा है 23 आउट ऑफ 30 और अगर चारों एग्ज़ाम आप देते हैं तो आपका स्कोर आ जाता है यानी कि अटेंडेंस में आपको पाँच में पाँच मिलता है तो फिर ट्वेंटी फाइव प्लस फाइव थर्टी सो थर्टी में थर्टी आपको मिल रहा है वहाँ पे uh, अगर आप uh, एक एग्ज़ाम ना दें तो देखें कि आपका स्कोर हो जा रहा है ट्वेंटी थ्री आउट ऑफ थर्टी तो सेवन मार्क्स यहाँ पे घट गया आपका तो आपको सोचना है आपको क्या करना है अभी जो दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है कि ये मॉक टेस्ट कंपल्सरी है कि नहीं यानी कि अगर ना दें तो क्या होगा ये क्यों जुड़ा हुआ है कि इसलिए कि देखिए अगर आप दो एग्ज़ाम दिए हैं तीन एग्जाम दिए हैं जो उन लोगों ने तीन एग्जाम दिए हैं वो भी वो लोग फिर भी शायद बच जाएंगे क्योंकि 3.75 उसका अटेंडेंस जो है उसको कैलकुलेट कर लिया जाएगा तो उसका कोई Uh, शायद प्रॉब्लम नहीं होगा लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा फिर भी आप चारों एग्ज़ाम दें क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो रूल है वो अभी क्लियर नहीं है तो बाद में जाके कौन सा रूल अप्लाई करेंगे वो लोग अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है अभी देखिए अगर आप दो एग्ज़ाम दिए हैं और सोच रहे हैं कि सी ए मैंने नहीं दिया और सी uh, भी नहीं दे पाऊँगा तो यू आर इन बिग ट्रेवल क्योंकि देयर आर चांसेस ऑफ यर लेग क्योंकि यूनिवर्सिटी रूल के तहत अगर आप देखते हैं तो आपका जो वो अटेंडेंस वो मैंडेटरी अटेंडेंस एटी फाइव परसेंट होना चाहिए क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जो रूल है उसमें लिखा हुआ है ठीक है पहले जो लिखा हुआ था रूल अभी थोड़ा चेंज क्या होगा आ, ये पता नहीं Uh, क्योंकि कोविड के बाद क्या ये लोग डिसीजन लेंगे तो उसके ऊपर भी हमको देखना पड़ेगा वेट एंड वॉच पॉलिसी देखिए लेकिन अगर आप सिर्फ uh, दो सीए दिए हुए हैं तो आपका चांसेस बहुत बढ़ जाता है कि आप ये लैक होने को है तो इसीलिए मैं कहूँगा सी ए फोर को नेगलेक्ट मत कीजिए एटलीस्ट थ्री जो जो आपको अगर कोई भी मिस किए हो सी ए फोर मिस मत कीजिए ठीक है और इसके अलावा एक क्वेश्चन जो आप बार बार हमसे पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम देने के टाइम बहुत सारे डिफ़िकल्टीज हम लोग फेस करते हैं जैसे कि देखिए एक लॉग आउट हो जाते हैं तो क्या करें इसके इंटरनेट स्लो है वाईफाई ठीक ठाक काम नहीं कर रहा है या फिर आप जिस डिवाइस से कनेक्टेड हैं वहाँ पे क्रोम ब्राउज़र से प्रॉब्लम हो रहा है जो आपका पिक्चर है वो ठीक तरह से आ नहीं आ रहा है तो इसीलिए मैं कहूँगा कि ये सारा प्रॉब्लम का जड़ है मोबाइल क्योंकि मोबाइल का जो कैमरा होता है बहुत ही हाई रेजोल्यूशन होता है वहाँ ये आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो भी दिया हुआ होता है और इसके अलावा जो और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कैमरा जो परमिशन हो कैमरा परमिशन आपको होना चाहिए आपके फ़ोन पर तो इसके चक्कर में आपको क्रोम ब्राउज़र भी अपडेट करना पड़ता है क्या क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से जो नोटिस आया हुआ है क्रोम ब्राउज़र अपडेट करने के लिए भी तो देखिए इसीलिए ये यूनिवर्सिटी प्रेफर कर रहा है कि लैपटॉप या दे, अ, में आप एग्ज़ाम दें या फिर डेस्कटॉप में अगर आप एग्ज़ाम दें तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लैपटॉप या डेस्कटॉप में एग्जाम दें तो आपका प्रॉब्लम नहीं होगा लेकिन देखिए यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देते देते आउट हो जाते हैं तो इसके चलते मैं यही कहूँगा कि डरिए मत चिंता मत कीजिए क्योंकि नेटवर्क इशू के तहत ये हो सकता है तो फिर आप सभी लोग क्या कीजिएगा कि एक बार अगर आप लॉगआउट हो जाते हैं तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितना सारा आंसर आपने किया हुआ था पहले वो सारा सेव रहता है तो दूसरा टाइम आप आ, फिर से लॉगिन कीजिए और आपका जो सेफ डांसर था वो रहेगा वहाँ पे देखिए मेन प्रॉब्लम जो है जो लोग मोबाइल से एग्ज़ाम देते हैं उन लोगों का कुछ टाइम आ, आप अगर नेट में ऑन रहते हैं कभी कभार आपका मोबाइल में कॉल आ जाता है या फिर एसएमएस आ जाता है और इसके चलते ये मोबाइल में कॉल आए फिर एस आए तो आप इमीडिएटली वहाँ पे क्या होगा कि लॉग आउट हो जाएंगे तो फिर से आपको लॉग इन करने में प्रॉब्लम हो सकता है इसीलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग लैपटॉप या डेस्कटॉप में एग्ज़ाम दीजिए बुरा मत मानिए बट कहीं तरह, किसी की भी तरह से जुगाड़ कीजिए क्योंकि ये आपका मास्क का सवाल है और यूनिवर्सिटी एग्जाम ले रहा है यूनिवर्सिटी ने क्वेश्चन फॉर्म किया है और उसमें से एग्जाम ले रहा है तो आशा रखता हूँ जितना सारा क्वेश्चन था मैंने आंसर देने की कोशिश किया है फिर भी कुछ अगर छूट गया हो तो मुझसे पूछिए मैं ज़रूर आप सभी लोगों का आंसर सॉल्व uh, करने की कोशिश करूंगा तो विद दिस आई कम टू एंड थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब श्रो मे नाथ यूट्यूब चैनल क्योंकि सही समय में सही न्यूज़ इसी चैनल से आपको मिलेगा और ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगा कोई फेक न्यूज़ नहीं मिलेगा थैंक यू वेरी मच हैव अ नाइस टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू अपकमिंग एग्जामिनेशन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा गया फिर भी पूरा देखिएगा